प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये हो गए हैं दस्त भैंस को और झुक के ये पीछे ये करे, ये देखिए गिर गया है दोस्तों, गिर गया है पतला सा गोबर। तो दस्त का मतलब ये ही है, डायरिया का मतलब ये, देखो सामने देख लो ना भाई, हमारी क्यों मानते हो, देख लो अपनी आंखों से। तो गोबर की मात्रा हो जाए ज़्यादा और गोबर हो जाए पतला दोस्तों, इसी को कहते हैं डायरिया, यानी दस्त लगना। और लगातार दस्त लग रहे हैं और दो चार डॉक्टर बदल दिए उन्होंने और दस्त ठीक नहीं हुए भाई साहब, देख लो दस्त ठीक नहीं हुए, देख लीजिए। तो जब तक इलाज सही तरीके से हम नहीं करेंगे, क्योंकि दस्तों के बहुत सारे कारण हैं, देर आर सो मेनी रीजन्स। तो जब तक उस अच्छे जो परफेक्ट रीजन को पकड़ कर इलाज नहीं करेंगे। ये रहा भैया हमारा हरियाणा वाला जतिन भाई ले लो जरा टेम्परेचर। वैसे तो टेम्परेचर का तो इसमें ठीक है, आएगा ही, ज़्यादा कोई खास नहीं आएगा टेम्परेचर, ठीक है। ये देखिए 98.99 कुछ जाएगा, ऐसे ही समथिंग 100 तक भी चला जाए तो क्या दिक्कत है, 101 तक तो अधिकतम होता है भैंस में। तो दोस्तों टेम्परेचर का कोई इसमें लेना देना नहीं है, कोई लोचा नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर का, लोचा है तो सिर्फ इस डायरिया का, जो कि कई दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो हम करेंगे अजीत भाई के सुपरविजन में, ये देखिए दाढ़ी वाले अजीत भैया, तो ये देखिए मुंह फाड़ के भी हम इसलिए देख रहे हैं दोस्तों क्योंकि FMD का सीजन है, कहीं FMD तो नहीं है, कहीं छाली तो नहीं है, स्मैकिंग साउंड तो नहीं है, कहीं मुंह से लार तो नहीं है, कहीं वेसिकल्स तो नहीं है, कहीं फफोले तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं FMD, ये नहीं है हमने ये निकाल लिया है रूमन पंक्चर करके दोस्तों, रूमन लिकर निकाल लिया है। तो देखते हैं रूमन pH तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है, तो रूमन pH भी लगभग हो सकता है सही आती है ऐसे केसेस में, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सबको सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं दोस्तों सीखने के लिए, सिखाना पड़ता है ना उन सबको, सब लेके रूमन फ्लूड कैसे लेते हैं, किस तरह से देखते हैं और डायग्नोस कैसे करते हैं फील्ड कंडीशंस में, ये तीन चीज़ें तो लेना ही रहता है। हम बच्चों को बार बार बताते हैं टेम्परेचर ले हो जी, रूमन pH ले हो जी, कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन देखो जी, इसके बाद में कहीं हाथ पैरों में सूजन तो नहीं है, चला फिरा के देखो कहीं एब्सेस तो नहीं है, कहीं हर्निया ट्यूमर तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, आँखों में गिड़ तो नहीं है, कहीं आँखों में पानी तो नहीं है, कहीं मुँह में छाले तो नहीं है। सारी जाँचें हम सिखाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एनिमल कैसे करते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें परफेक्ट पाई गई सिर्फ ये दस्त को छोड़ के। तो ये हाईटेक रहा दोस्तों, ये हाईटेक है, 85 मिलीग्राम वाली आइवरमेक्टिन, जो एंडेक्टो पैरासिटिसाइडल ड्रग है वैसे तो दोस्तों, ये राउंड वर्म्स के लिए तो बहुत अच्छी दवा है। तो हमने ये दे दिया है क्योंकि फेरमेंडाजोल हमने देखा है, इसको पहले दे दिया है बहुत सारे लोगों ने, तो हम आइवरमेक्टिन दे रहे हैं डिवर्मिंग के तौर पर। और ये साथ में ये लीव बूस्ट या बायो बूस्ट टाइप का कोई भी प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन साथ में देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रेग्नेंट है एंटी स्पाजमोडिक, क्योंकि ये स्पाजम्स ज़्यादा हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ज़्यादा है इसकी इंटेस्टाइन की, ट्यूनिका जो मस्कुलरी से इंटेस्टाइन की जो लेयर उसमें ज़्यादा पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, तो उससे भी दस्त लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम हायोसिन ये वाला यानी इंजेक्शन बुस्कोपान, देट इज प्रेगनेंसी सेफ, तो प्रेगनेंसी सेफ भी है। तो डाइसाइक्लोमिन नहीं लगाएंगे इसके, हम लगाएंगे हायोसिन एंटी स्पाजमोटिक जो कि प्रेगनेंसी सेफ है, और इंजेक्शन लिवोफ्लोक्सासिन सिंगल शॉट, ठीक है दोस्तों। ये उतना प्रेगनेंसी सेफ तो नहीं है लेकिन ये ठीक है, एक बार हम लगा सकते हैं लिवोफ्लोक्सासिन। और ये देखिए दोस्तों, क्योंकि कॉपर डेफिशिएंसी से डायरिया हो सकता है, बहुत सारे लोग बड़े बार बार बहुत भारी भारी एंटीबायोटिक लगा के चले गए हैं, तो कभी कभी कॉपर डेफिशिएंसी से भी दोस्तों लगातार क्रोनिक डायरिया होता रहता है। तो कॉपर हमने लगाया दोस्तों, ये नीले रंग का नीला थोता जिसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, नीला थोता रंगी नीला होता है भाई साहब, तो हमने वो कॉपर वाला इंजेक्शन लगा दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमने लगाया तो इलाज किया इस दस्त का, तो ये ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।